प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट चुन ली है। एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित लगभग 57 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 24 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 24 अन्य ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। 2014 के शपथ ग्रहण समारोह के मुकाबले ये संख्या अधिक थी, लेकिन मोदी की नई कैबिनेट पिछली साल के मुकाबले युवा है। अमेठी से नवनिर्वाचित सांसद 43 वर्षीय स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई मंत्री परिषद में सबसे कम उम्र की मंत्री हैं और मंत्रिमंडल में उम्र की बात करें तो पिछली सरकार के मुकाबले मंत्रियों की औसत उम्र में 2 साल की कमी आई है। नए मंत्रिमंडल की औसत आयु 60 साल है, जबकि मोदी सरकार के पिछले मंत्रिमंडल की औसत आयु 62 साल थी। युवा सांसदों की बात की जाए तो 43 साल की स्मृति ईरानी सबसे युवा मंत्री हैं। इसके बाद हिमाचल के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर आते हैं, जिनकी उम्र 44 वर्ष है। इसके अलावा बात की जाए तो मनसुख मंडाविया और संजीव कुमार बलियान 46 साल के हैं। इसके बाद 47 साल के किरेन रिजिजू सबसे कम उम्र के मंत्रियों में शामिल हैं। पहली बार मंत्री बने रामेश्वर तेली और देवाश्री चौधरी दोनों ही 48-48 साल के हैं और भाजपा की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान मोदी सरकार के सबसे बुजुर्ग मंत्रियों में आ रहे हैं। पासवान की उम्र 73 साल है और ये आयु थावरचंद गहलोत की भी है। वहीं संतोष कुमार गंगवार की बात करें तो ये भी सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक है और उनकी आयु 71 साल है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।